रैबिस के आगे। रैबिस किसके कारण होता है, कौन कौन काटेंगे थोड़ा लीजिएगा, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि रैबिस जो होता है वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, फंगस किस प्रकार का रोग है। तो सबसे पहले याद रखिएगा रैबिस जो है यह एक वायरस जनित रोग है। कौन रोग है, तो वायरस जनित रोग है, ये वायरस के कारण होता है। अब प्रश्न में किस वायरस के कारण होता है, तो उस वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस, ये रैबिडो वायरस जो आता है के कारण ही आपको रैबिज होता है। तो दो बार क्या, एक तो रैबिज किस प्रकार होता है, तो वायरस जनित रोग है। रैबिज किस वायरस के कारण होता है, तो रैबिडो वायरस के कारण होता है। अब इसमें पूछा है कि रैबिज होता है किस किस जीव के, किस किस जानवर के काटने से होता है। तो इसमें सबसे पहले एक होता है आप लोग सामान्य रूप से जानते होंगे, एक का काटता है कुत्ता। कुत्ता काटेगा स्वाभाविक है कि रैबिज होगा। ये आपको एक चमगादड़ को भी काटने से होता है, चमगादड़ भी काटेगा तो रैबिज हो जाएगा। आपको जो है सियार अगर काट लिया तभी रैबिज होने की संभावना बनती है, बिल्ली अगर काट ली तभी रैबिज होने की संभावना बनती है। तो रैबिज किस जानवर के काटने से, तो कुत्ता चमगादड़ सियार बिल्ली जैसे जानवर को काटने से होती है। कोई पूछेगा कि क्या सब में रैबिज पाया जाता है, तो सब में रैबिज नहीं पाया जाता है, जो संक्रमित होंगे ना उन्हीं से सब में रैबिज पाया जाता है। ये इसका आपको काटने से, अब इसका वजह है कि लक्षण क्या है, तो हम इसके लक्षण को देख सकते हैं। पहला तो लक्षण है कि काट लिया, अगर काटने के क्रम में अगर ये प्रभावी हो गए वायरस, तो प्रभावी में तो शरीर से नहीं मुख से अधिक मात्रा में, मुख से अत्यधिक मात्रा में लार टपकना, लार निकलना खूब जो होगा अधिक मात्रा में। कुत्ता बीमार होता है तो कैसे एकदम लार चुलाता है, और वही लार में सबसे अधिक इसका वायरस पाया जाता है, तो मुंह से लार टपकने लगे। दूसरा होगा सर में बहुत दर्द होगा, सर में काफी दर्द होगा, किसी भी चीज को निगलने में परेशानी, और खाएगा ना तो निगलने में परेशानी, तो ये भी लिख सकते हैं निगलने में परेशानी, निगलने में बहुत बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, आगे जो इसका और लक्षण होगा, जैसे पानी से डर लगता है, पानी से डर लगना, इसीलिए रैबिज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। कहता है कि हाइड्रोफोबिया का संबंध किस रोग से है, तो इसका आंसर किससे, रैबिज से, क्योंकि पानी से डर लगता है। जैसे कुत्ते को देखते हैं ना पानी पे देखकर फटाफट भाग जाएगा, तो पानी फेंके की भाग है, इसका पानी से डर लगता है। उसी तरह अगर किसी को काट लिया तो उसको भी पानी से, गिलासों में रख दिया तो उसको लगेगा गिलासों में क्या करेगा, डुबा देगा, तो पानी से। चौथा होगा कि पागल की तरह व्यवहार करने लगेगा, व्यवहार करना प्लस कुत्ता की तरह, कुत्ते की तरह क्या करेगा, आवाज निकालता है, तो ये भी होगा आपको रैबिज का। वैसा ही जैसे कुत्ता को बोलता है वैसे कुत्ता सब बोलता है, वैसे ये भी बोलने का प्रयास करेगा, और ये भटकने का काम अभी करेगा, जैसे घूमना देखते हैं एक स्थान पर कभी कुत्ता रहेगा, अभी देखेगा यहाँ है, थोड़ी देर के बाद देखिएगा वहाँ है, फिर देखे भागे के भाग है वहाँ है, तो इसलिए भटकने घूमने का काम अधिक करने लगे। तो ये इसका, तो इंटर सेकेंड पूछता है कि रैबिज क्या है, इसके लक्षण और रोग थामों को लिखे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रैबिज एक वायरस जनित रोग है जो रैबिडो वायरस के कारण होता है, कुत्ता चमगादड़ सियार बिल्ली के काटने से होता है। ये आपका इसका लक्षण है। सकते हैं प्रश्न उठता है कि रोकथाम कैसे किया जा सकता है, ये रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो भी जानवर हमारे पास पालतू जानवर है, पालतू जानवर में सबसे अधिक हम लोग होने की संभावना तो होता है कुत्ता से, अगर कुत्ता है तो रखे हैं तो उसको पहला ही रैबिज का इंजेक्शन दिलवा दीजिए, रैबिज का इंजेक्शन दे दीजिएगा, कटबो करेगा, मांस काट लिया फिर भी आपको कोई प्रभाव होने वाला नहीं, अगर काट लिया दूसरा हो जाएगा कि काटे हुए स्थान पर, काटे हुए स्थान पर जो है यानी साफ करना चाहिए,
इसको डिटॉक्स कर सकते हैं साबुन से अच्छी तरह, जहाँ काट लिया उसको तुरंत जो है साबुन या डिटॉल से अच्छी तरह से धो देना चाहिए कि बाई द अगर रेबीज वायरस कटे हुए स्थान ब्लड में प्रवेश कर रहा है तो डिटॉल से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसके अतिरिक्त टेटवेट का अगर तुरंत हमको रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलता तो उस समय हम टेटवेट का भी इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन बाद में हमको रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ता है तो उस परिस्थिति में हम इसको लेने का काम कर सकते हैं। कटे हुए स्थान को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक है। उसमें इसके अतिरिक्त रैबिस का इंजेक्शन, रैबिस का यानी वैक्सीन भी हमको क्या कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो ये चौथा है। अगर मान लीजिए पागल कुत्ता है तो पागल कुत्ता जो उसे दूर रहना चाहिए, या समकालीन के अधिकारी होते हैं जो ये पागल कुत्तों को जब आवारा कुत्ता होता है ना अगर ज्यादा काटने लगा या उस प्रकार का तो उसको जो होता है यानी उसके अधिकारी होते हैं उसको पकड़ के कुत्तों को क्या होते ले जाके चले जाते हैं ट्रीटमेंट होता है। इन सारे चीजों को हमको ध्यान देते हैं। रोकथाम प्रश्न पूछता है कि रैबिस क्या है, किसके कारण होता है, इसके नियम, इसका लक्षण और रोकथाम को लिखे, तो डायरेक्ट हम इन चीज को बातों को लिख सकते हैं। वायरस के कारण जो होता है ये काटने के कारण, और ये आपका लक्षण हो गया, और ये जो है रोकथाम का उपाय। इस तरह से आप इसको बेहतर ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक प्रश्न 5 नंबर का लगभग प्रश्न बनता है। रैबिस क्या है, रैबिस किसके कारण होता है, कौन कौन काटेंगे थोड़ा ये जगह तो देखते हैं। इसको सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि रैबिस जो होता है वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, फंगस किस प्रकार का रोग है। तो सबसे पहले याद रखिएगा रैबिस जो है यह एक वायरस जनित रोग है। कौन होगा है तो वायरस जनित रोग है, ये वायरस के कारण होता है। अब प्रश्न किस वायरस के कारण होता है, तो उस वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस, ये रैबिडो वायरस जो आता है के कारण ही आपको रैबिज होता है। तो दो बार क्या, एक तो रैबिज किस प्रकार होगा तो वायरस जनित होगा, रैबिज किस वायरस के कारण होता है तो रैबिडो वायरस के कारण होता है। अब इसमें पूछा है कि रैबिज जो होता है किस किस जीव के, किस किस जानवर के काटने से होता है, तो इसमें सबसे पहले होता है वो सामान्य रूप से जानते होंगे एक का काटता है कुत्ता, कुत्ता काटेगा स्वाभाविक है कि रैबिज होगा। ये आपको एक चमगादड़ को भी काटने से होता है, चमगादड़ भी काटेगा तो रैबिज हो जाएगा। आपको जो है सियार अगर काट लिया तभी रैबिज होने की संभावना बनती है, बिल्ली अगर काट ली तभी रैबिज होने की संभावना बनती है। तो रैबिज किस जानवर के काटने से, तो कुत्ता चमगादड़ सियार बिल्ली जैसे जानवर को काटने से होती है। कोई पूछेगा कि क्या सब में रैबिज पाया जाता है, तो सब में रैबिज नहीं पाया जाता है, जो संक्रमित होंगे ना उन्हीं से सब में रैबिज पाया जाता है। ये इसका आपको काटने से, अब इसका हो जाएगा कि लक्षण क्या है, तो हम इसके लक्षण को देख सकते हैं। पहला तो लक्षण है कि काट लिया, अगर काटने के क्रम में अगर ये प्रभावी हो गए वायरस, तो प्रभावी में तो शरीर से नहीं मुख से अधिक मात्रा में, मुख से अत्यधिक मात्रा में लार टपकना, लार निकलना खूब जो होगा अधिक मात्रा में। देखिए कुत्ता बीमार होता है तो कैसे एकदम लार चुलाता है, और वही लार में सबसे अधिक इसका वायरस पाया जाता है, तो मुख से लार टपकने लगेगा। दूसरा होगा सर में बहुत दर्द होगा, सर में काफी दर्द होगा, किसी भी चीज को निगलने में परेशानी होगा, खाएगा मतलब निगलने में परेशानी, तो ये भी लिख सकते हैं निगलने में परेशानी, निगलने में बहुत बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। आगे जो इसका और लक्षण होगा जैसे पानी से डर लगता है, पानी से डर लगना, इसीलिए रैबिज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। कहता है कि हाइड्रोफोबिया का संबंध किस रोग से है, तो इसका आंसर किससे, रैबिज से, क्योंकि पानी से डर लगता है। जैसे कुत्ते को देखते हैं ना पानी पे देख फटफटाइए भाग जाएगा, तो पानी फेंके की भाग है, इसका पानी से डर लगता है। उसी तरह अगर किसी को काट लिया तो उसको भी पानी से, गिलासों में रख दिए तो उसको लगेगा तो गिलासों में क्या करेगा, डुबा देगा, तो पानी से। चौथा होगा कि पागल की तरह
व्यवहार करने लगेगा, व्यवहार करना प्लस कुत्ता की तरह, कुत्ते की तरह क्या करेगा आवाज निकालता है। तो ये भी होगा आपको रैबिस का, वैसे ही जैसे कुत्ता वो बोलता है वैसे कुत्ता सब बोलता है, वैसे ये भी बोलने का प्रयास करेगा। और ये भटकने का काम अभी करेगा, जैसे घूमना देखते हैं एक स्थान पर, कभी कुत्ता कभी देखेगा यहाँ, फिर देखे बाद देखिएगा वहाँ है, फिर देखे भागे में भागे वहाँ। तो इसलिए भटकने घूमने का काम अधिक करने लगे। तो ये इसका तो इंटर पूछता है कि रैबिस क्या है, इसके लक्षण और रोकथाम को लिखे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रैबिस एक वायरस जनित रोग है जो रैबिडो वायरस के कारण होता है, कुत्ता चंगाल सिया बिल्ली के काटने से होता है। ये आपका इसका लक्षण है। सकते हैं प्रश्न उठता है कि रोकथाम कैसे किया जा सकता है, ये रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो भी जानवर हमारे पास पालतू जानवर है, पालतू जानवर में सबसे अधिक हम लोग घोले की संभावना तो होता है कुत्ता से। अगर कुत्ता है तो रख के है तो उसको पहला ही रैबिस का इंजेक्शन दिलवा दीजिए, रैबिस का इंजेक्शन दे दीजिएगा, कट वो करेगा, मांस काट लिया फिर भी आपको कोई प्रभाव होने वाला नहीं। अगर काट लिया दूसरा हो जाएगा कि काटे हुए स्थान पर जो है यानी साफ करना चाहिए इसको, डिटॉल से धो सकते हैं साबुन से अच्छी तरह, जहाँ काट लिया उसको तुरंत जो है साबुन या डिटॉल से अच्छी तरह से धो देना चाहिए कि बाई बा अगर रेबीज वायरस कटे हुए स्थान ब्लड में प्रवेश करा तो डिटॉल से क्या हो जाएगा मर जाएगा। इसके अतिरिक्त टेटवेट का अगर तुरंत हमको रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलता तो उस समय हम टेटवेट का भी इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन बाद में हमको रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में हम इसको लेने का काम कर सकते हैं। कटे हुए स्थान को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए, ठीक है। उसमें इसके अतिरिक्त रैबिस का इंजेक्शन, रैबिस का यानी वैक्सीन भी हमको क्या कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो ये चौथा है। अगर मान लीजिए पागल कुत्ता है तो पागल कुत्ता जो उससे दूर रहना चाहिए, या समकालीन के अधिकारी होते हैं जो ये पागल कुत्तों को जब आवारा कुत्ता होता है ना अगर ज्यादा काटने लगा या उस प्रकार का, तो उसको जो होता है यानी उसके अधिकारी होते हैं उसको पकड़ के कुत्तों को क्या होते ले जाके चले जाते हैं ट्रीटमेंट होता है। इन सारे चीजों पर हमको ध्यान देते हैं। तो रोकथाम प्रश्न पूछता है रैबिस क्या है, किसके कारण होता है, इसके नियम, इसका लक्षण और रोकथाम को लिखे। तो डायरेक्ट हम इन चीज को बातों को लिख सकते हैं, वायरस के कारण जो होता है ये काटने के कारण, और ये आपका लक्षण हो गया, और ये जो है रोकथाम का उपाय। इस तरह से आप इसको बेहतर ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक पर 5 नंबर का लगभग प्रश्न बनता है।